हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकी क्रिएशन रिव्यू। मैं आपका अपना दोस्त विकी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ के न्यू हिंदी डब्ड मूवी गालोदू के बारे में। फ्रेंड्स, गालोदू 2022 के इंडियन तेलुगु लैंग्वेज के एक एक्शन ड्रामा रोमांस मूवी है, जिसके राइटर डायरेक्टर पी राजशेखर रेड्डी हैं और इसके लीड रोल में आपको सुधीर आनंद, गैना सीपी, सप्तागिरी, सकला का शंकर जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली है। फ्रेंड्स, अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी शुरू होती है राजू से, जो कि सुधीर होता है। राजू एक गरीब लड़का गांव में पला बड़ा होता है और एक दिन गांव के अंदर में एक पोकर की लड़ाई में उसके हाथों से गलती से सरपंच का बेटा मारा जाता है और इसी वजह से राजू को अब शहर को छोड़ना गांव को छोड़ के शहर में जाना पड़ता है। वह हैदराबाद चला आता है और वह हैदराबाद में एक गरीब की तरह जिंदगी जीता है और वहां पे उसकी मुलाकात इस मूवी की हीरोइन शुक्ला से होती है और एक एक्सीडेंट में उसकी जान बच जाता है। इसी वजह से शुक्ला उसको अपने घर पे लेके जाती है, उसे एक ड्राइवर की नौकरी देती है। फ्रेंड्स, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। जब हीरोइन के पिता को यह बात पता चलती है तो वह इन दोनों के बीच में आ जाता है। अब फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह होती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, शादी करेंगे या इसके पिता इसके बीच में आएंगे। और इसी बीच गांव के जो गांव का सरपंच होता है वो और उसके गुंडे होते हैं, वो भी उसको ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। अब क्या राजू को वो लोग गिरफ्तार करेंगे, उसको मारेंगे, उसको सजा मिलेगी या उसको जेल होगी? फ्रेंड्स, वो सब जानने और देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर मूवी के प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें राजू जो कि सुधीर होता है, उनकी एक्टिंग, उनका डांस, फाइट सीन्स अच्छा देखने को मिलता है, उनकी भूमिका एक प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॉमेडी से पंचस डायलॉग से हंसाने की कोशिश की है। हीरोइन गैना सीपी ने अपने क्यूट लुक से बहुत इंप्रेस करती है। सप्तागिरी ने अपनी भूमिका के दायरे में अच्छा काम किया। सकला का शंकर का ओवरडोज कॉमेडी और एक्टिंग इसमें ज्यादा कुछ देखने को मिलती है और बाकी जितने भी सपोर्टिंग रोल होते हैं उन्होंने अपनी अपनी भूमिकाओं में बढ़िया काम किया। फ्रेंड्स, अगर खास करके इस मूवी के माइनस पॉइंट की बात करो तो इसकी स्टोरी एकदम से बोर करती है। कहीं पे भी आपको ऐसा कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है डायरेक्टर ने इसकी स्टोरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोई भी डायलॉग अच्छा देखने को नहीं मिला जो कि आपको इंप्रेस कर सके और उन्होंने हर एक सीन में हीरो को ऊपर उठाने की कोशिश की है, बाकी ये बिना देखे कि ये हीरो के ऊपर सेट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है, म्यूजिक है, वो ओस देखने को मिलता है और बाकी जो इसकी सिनेमेटोग्राफी है वो इस मूवी का प्लस पॉइंट देखने को मिलती है। बाकी फ्रेंड्स, इस मूवी का जो बिल्ड वैल्यू वो ठीक है, एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे देखने को मिलती है। कहानी पर अगर इस मूवी में थोड़ा सा अगर काम किया होता तो ये मूवी एकदम से गजब के देखने को मिलती। फ्रेंड्स, इस मूवी में जो राजू सुधीर होता है उनकी एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज सुपर देखने को मिलती है, पूरी मूवी उन्हीं के कंधों पर चलती है। लेकिन वो करे तो क्या करे, अगर इसकी स्टोरी अगर एकदम से सीधी सरल हो, उनकी एक्टिंग के प्रभाव में आप एक्शन सीन्स हैं वो भी गजब देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, आप इस मूवी को एक बार देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और दोस्तों, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।